हरे कृष्णा दोस्तों, ये हमारे गांव की होलिका दहन का जगह है और होलिका जल चुकी है, तो सुबह में हम लोग आए हैं यहाँ पे इनका राख वगैरह लेने। तो हमारे गांव में एक प्रथा चलती है कि ये जो देखो मेरे हाथ में है वो तीसी है, तो इसको यहाँ पे भुनेंगे और फिर इसको एक साल के लिए घर में ले जा के रखते हैं, और यहाँ से थोड़ी जो राख होती है उसको भी ले जा के विभूति की तरह घर पर रखेंगे। तो ये देखो मैं वही भूज रहा हूँ यहाँ इस आग में, और इसको ले जा के घर पर रख देंगे, और सुबह सुबह जली हुई होलिका का दर्शन भी करना अच्छा होता है, तो ये भी उद्देश्य है। ये देखिए हमारे गांव का, मतलब हम लोग गढ़ही बोलते हैं, छोटा सा तालाब है, हर साल यहीं पे होलिका गाड़ी जाती हैं। ऊपर से सड़क गई हुई है, ये उसका पुल है। ये दोनों मेरी बहनें हैं, इन लोग भी जा रहे हैं वही होलिका में वो सब डालने के लिए जो उपटन वगैरह होता है, और वो भूजने के लिए। तो अभी दिन के 10:30 के करीब हो गए हैं और होली की शुरुआत हो गई है। बच्चों में देखो उमंग शुरू हो गया है, उनका रंग वगैरह लगाना चालू हो गया है। अभी बड़े लोग में तो अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हाँ उनका शुरू होते होते जहाँ तक मुझे उम्मीद है 12:30 हो जाएगा। तो अभी देखो हम लोग आ गए हैं मंदिर पे और यहाँ पे शुरू हो गया है, 1 बज रहा है टाइमिंग। ये देखो होली भाई मेरे गाँव की अब शुरू होती है यहाँ से। देखो ये हमारे गांव का मंदिर है, और ये परंपरा हमारे गांव में चली आती है कि हर साल हर घर 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 फगुआ होता है, तो 150 करीब घर का गांव है और मंदिर से स्टार्ट होता है। ज़्यादा नहीं कहते हैं, आधा घंटा कहते हैं हर जगह। अभी आ गए हैं गांव में, और यहां पे देखो थोड़ी तीखी नोक झोंक हो गई है, ये तीखी क्या थोड़ी मीठी नोक झोंक है, गांव के बुजुर्ग हैं वो थोड़ा भड़क गए हैं, तो लोग थोड़ा सा मजा भी ले रहे हैं। अच्छा, अभी तक ये परंपरा हमारे गांव में जिंदा है, यही बहुत बड़ी बात है।
तो जो फगुआ गाने वाले होते हैं वो जिनके घर पे जाएंगे तो उनके घर के लोग वहाँ पे उनको मतलब कुछ खाने पीने की चीज़ें देंगे और सबको अबीर वगैरह लगाएंगे, जो बड़ा छोटा है उसको पैर पकड़ेंगे, हाथ पकड़ेंगे, गले लगाएंगे, ये सब होता है। ये बहुत ही प्यारा मोमेंट है। लोग अपनी शिकवा शिकायतें भूलकर फुल मस्ती करते हैं और होली के दिन सब लोगों के दिल मिल जाते हैं तो बहुत मज़ा आता है होली में। इन लोग यहाँ पे रंग घोर रहे हैं, अभी जब फगुआ वाले उठने लगेंगे तो उनके ऊपर डालेंगे सब पूरा कलर। तो जैसे मैंने आपको बताया 150 का गांव है तो हर जगह रिकॉर्डिंग तो मुश्किल है, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ऐसे 10-10 15-20-20 मिनट एक एक जगह पे कहते हैं। अब जा रहे हैं दूसरे घर पे, फिर तीसरे घर पे, फिर ऐसे ऐसे से पूरा गांव कहते हैं। करीब 150 घर का गांव है। ये देखिए अभी इनके घर पे आए हैं तो इनके घर पे ये सब खाने को दिया जाएगा, फिर उसके बाद ढोल मंजीरा से सब अपना संगीत शुरू होगा। अगर आपके भी गांव में इस तरीके से होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा है ये सिस्टम। इससे लोगों के दिलों में कोई भेदभाव नहीं रह जाता और लोग एक दूसरे के प्रति बहुत एक प्यार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत ही अच्छा लगता है ये। आप वीडियो में बने रहना, अभी आगे भी आपको बहुत सारा सब देखने को मिलेगा। तो ये देखिए मेरी भतीजी है, उन्नति है, और ये इसके सब फ्रेंड आए हैं, शिवांशी और वंश। तो ये देखो आपस में खेल रहे हैं होली। तो भाई होली में देखो लाल अबीर गुलाल सब उड़ता है, लेकिन यहाँ पे धूल वाली होली हो रही है। और यहाँ देखिए एकदम कपड़ा फार होली है। तो हमारे गांव में दोनों होली चलती है भैया, इस बात से बुरा न मानो, होली है। चड्डी लगत नहीं पहने वह चड्डी नहीं पहने तो अभी मैं बीच में थोड़ा सो गया था इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, और फिर उठ के चले गया था कहीं मेरे दोस्त से मिलने धन तुलसी की तरफ। तो अभी आया हूँ, अभी 4:30 बज गए हैं, बजने को है। तो ये देखिए यहाँ पे अब लगभग पूरा गांव होने चला है, 2-4 घर पे और होगा, लेकिन अभी मैं जाऊँगा नहाने वहाने। Oh,
मेरे गांव में इस समय एक स्लोगन चलते रहता है, भाई बुरा न मानो होली है। तो इस बात को बोल बोल के लोग देखो किस तरीके से करते हैं, ये कोई झगड़ा वगैरह नहीं है, मस्ती है, मज़ा है, इसका अपना अलग ही आनंद है, अनुभव है। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मैं गांव में रहता हूँ, गांव के सारे वीडियोज़ वगैरह डालता हूँ और कहानियाँ वगैरह बनाता हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे।